और चलिए सीधे रुख करते हैं इस वक्त प्रद्युम्न के पिता कुछ कह रहे हैं। किसका रास्ता ना अपनाएं, एक बच्चा जा चुका है, किसी के साथ और कोई कैजुअलिटी कोई चोट नहीं आनी चाहिए किसी को। ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 आप लोग इन चीजों को बढ़ावा ना दें। आपके मन में आक्रोश है, स्कूल प्रशासन के प्रति आक्रोश होगा, कल को अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए आप चिंतित हैं, लेकिन प्लीज ये गलत रास्ता है, ये मत कीजिए, तोड़ फोड़ ये सब मत कीजिए, प्लीज वायलेंस ना हो। प्रोटेस्ट करेंगे हम अपनी मांग रखेंगे, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। वरुण जी क्या आप पुलिस के अभी तक की कार्रवाई से संतुष्ट हैं? ऐसा है, देखिए हमें अपने प्रशासन पे अपने सिस्टम पे भरोसा तो रखना पड़ेगा, वो भरोसा मेरा है, मैंने रखा हुआ है, और सबसे उम्मीद करूंगा कि इतना भरोसा सबको रखना चाहिए। साथ ही साथ मैं प्रशासन से भी ये अनुरोध करूंगा कि वो बिल्कुल न्यूट्रल होके और बिल्कुल इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन करें इसकी, ताकि कोई भी कल्प्रिट इसमें छूटे नहीं। बस इतने रामदास ने कहा कि जो स्कूल मैनेजमेंट है, जो स्कूल मालिक, उनके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी, सब एक हफ्ते के अंदर चार्जशीट दे दी जाएगी, अगर आप सहम उससे आप सेटिस्फाई होते फिर सीबीआई की जो आपकी मांग है वो भी मान सकते हैं, मानेंगे नहीं, लेकिन चार्जशीट की बाकी बात सारी मैं उनके विचार से ये नहीं बोल रहा कि उनका विचार है गलत है सही है, मैं सिर्फ उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि वो अपने आप को एक पेरेंट की जगह पे रखें और तब देखें इस पूरे केस को, पूरे प्रकरण को तब देखें, उस नजरिए से देखें। जो घटनाक्रम मेरे बच्चे के हत्या तक हुआ वो इतना छोटे से समय में था, 10 मिनट के अंदर अंदर उसकी हत्या कर दी गई। हत्या करने का औजार पहले से उसके पास मौजूद था, वो कंडक्टर के बीच में घुस के खड़ा था, मतलब वो बच्चे के वॉशरूम में खड़ा था। तो ये चीजें कहीं ना कहीं मेरे मन में ये शंका है कि वो उस टाइम तुरंत के तुरंत में हुए घटना का मतलब नतीजा नहीं था जो मेरे बच्चे का की हत्या हो गई, इतनी निर्मम हत्या हो गई। इसलिए मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे इस केस की बिल्कुल इनडेप्थ जांच करके जो एक भी परसेंट गिल्टी है इसमें, चाहे वो स्कूल प्रशासन है, चाहे वो कोई व्यक्ति विशेष है, चाहे वो किसी भी तरह का है, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज, और इसीलिए मैं इनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि सीबीआई भी हमारी देश की बॉडी है और उसकी मदद पुलिस ले सकती है, पुलिस ले उसकी मदद, और इसका एक साइड बाय साइड पुलिस अपना काम कर रही है, बहुत ईमानदारी से कर रही है, ये मेरे को विश्वास है और करेगी, ये भी विश्वास है, लेकिन उसके साथ साथ एक पैरेलल सीबीआई की इंक्वायरी हो जाए ताकि हर छोटी सी छोटी चीज जो इस केस से इन्वॉल्व है वो बारीकी से बाहर आ जाए और कोई कल्प्रिट ना बचे, और स्कूल प्रशासन सारे जो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टीचर है, स्टाफ है, सबके पास ये मैसेज चला जाए इमीडिएट, इसमें ज्यादा विलंब भी ना हो, इमीडिएट मैसेज चला जाए कि अगर कल को कोई चीज रिपीट होती है इस तरह की किसी भी स्कूल में, कहीं पे भी, किसी भी स्टेट में, तो हमारा गिरेबान पकड़ा जाएगा कि हम इस चीज के लिए अकाउंटेबल हैं। इसलिए सिर्फ मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पुलिस अपना काम कर रही है, एक साथ के साथ उसकी बारीकी से जांच सीबीआई से भी करवाने की अनुमति दें। वरुण जी आपको लगता है अशोक कुमार एक्चुअल कल्प्रिट है या कोई और भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है? अभी बताया सर मैंने आपको कि घटनाक्रम इतना जल्दी हुआ है, 10 मिनट के अंदर हुआ है, जिससे मुझे ये मन में शंका है कि वो उस दिन की घटना नहीं थी, वो जरूर कहीं ना कहीं बैक में कुछ उस घटना के था, उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसका पता चलना चाहिए, ताकि जो भी इन्वॉल्व है, चाहे उस दिन इन्वॉल्व था या पास्ट में इन्वॉल्व था, वो प्लीज हर आदमी, हर अकाउंटेबल आदमी, हर रिस्पॉन्सिबल आदमी पकड़ा जाए और उसके साथ उसको पनिशमेंट मिले। मैं सिर्फ ये पुलिस प्रशासन, सरकार या सीबीआई या किसी से मांग नहीं कर रहा हूं, मैं ये अपने देश में एक्टिव जितने भी कानून व्यवस्था को व्यवस्थित रखने वाली एजेंसियां हैं, चाहे वो कोर्ट है, चाहे सीबीआई है,
चाहे पुलिस है चाहे एडमिनिस्ट्रेशन है, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज इस केस में इन्वॉल्व हों और सारे गुनहगारों को पकड़ के बाहर निकाला जाए, उनके साथ उनको सजा दी जाए और ये मैसेज दिया जाए सारे ऑर्गेनाइजेशन को, नॉट ओनली स्कूल, कि उनके प्रमिसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, उनको उनकी जो ड्यूटी है वो ड्यूटी उनको फुलफिल करनी चाहिए पूरी ऑनेस्टी के साथ, और अगर कहीं कुछ दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी लेके उसमें सपोर्ट करना चाहिए, ताकि जो 1% 2% गलत मानसिकता गलत सोच। प्रद्युम्न के पिता वरुण ठाकुर को आप सुन रहे थे, उन्होंने कानून व्यवस्था पर भरोसा जताया लेकिन साथ ही कहा कि सीबीआई जांच हो जाए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि इस केस से जुड़ी तमाम जो पेचीदगियां हैं वो हल हो जाएंगी, वो सामने आ जाएंगी और आगे से कोई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा।